लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद पीस पार्टी की मासिक मीटिंग जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी की अध्यक्षता में की गई। जिलाध्यक्ष ने बताया बहुत जल्द फिरोजाबाद जनपद की 4 और विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। फिरोजाबाद पीस पार्टी की मासिक मीटिंग जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी की अध्यक्षता में की गई। 97 विधानसभा पीस पार्टी के प्रत्याशी अवधेश सिंह जादौन जी का पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ताओं ने स्वागत सम्मान किया। कई दर्जन दूसरी पार्टियां छोड़कर आए सभी कार्यकर्ताओं को पीस पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी लगातार संगठन को लेकर लगातार विस्तार कर रही है। जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी ने कहा बहुत जल्द फिरोजाबाद जनपद की 4 और विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी उतारेगी पीस पार्टी फिरोजाबाद। 97 विधानसभा से प्रत्याशी अवधेश सिंह जादौन ने कहा बदले की भावना से कार्य कर रही भारतीय जनता पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी ने कहा भाजपा सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता के पास बीजेपी के बाद दूसरा विकल्प पीस पार्टी है। सपा बसपा ने जनता को लूटने का काम किया था अपनी सरकार में। फिरोजाबाद से मकबूल उद्दीन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद की मासिक मीटिंग कार्यालय पर रखी गई थी, जिसमें फिरोजाबाद 97 विधानसभा के प्रत्याशी अवधेश सिंह जादव जी मौजूद रहे और आगे की हम लोग रूपरेखा पूरे जनपद की तैयार कर रहे हैं। इसकी जो 4 विधानसभा है उसमें भी बहुत जल्द हम लोग प्रत्याशी उतारने वाले हैं। पीस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हर मुद्दे पर हर काम कर रही है, चाहे वो किसान भाइयों की समस्या हो, चाहे बुनकर भाइयों की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, हर मुद्दे पर पीस पार्टी लगातार काम कर रही है और करती रहेगी। मेरी जनता से अपील है कि पीस पार्टी का सहयोग करें और साथ दें और भारतीय जनता पार्टी के बाद आज कोई पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है वो पीस पार्टी है। सपा बसपा कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ वोटरों को चुनाव के समय पैसे बांट कर उकसाने का काम किया है। चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद ये लोग नज़र नहीं आते, जनता इस बार उनको नकार देगी, पीस पार्टी को वोट देगी और बड़ा सहयोग करेगी। आज मासिक मीटिंग है पीस पार्टी की और सभी कार्यकर्ताओं के दुआ से हमको टिकट मिली है और मैं ये चाहूँगा कि हमारे सभी कार्यकर्ता हमारा सहयोग करें और मैं अपने सभी कार्यकर्ता जो भी हैं उपस्थित हैं सभी का हृदय से आभार हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस आगे आने वाले चुनावों में हमारे कार्यकर्ता मेहनत करें, हम हर तरह से उनके साथ हैं और आज इसी पर परीक्षा में ये मीटिंग रखी गई थी।